प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल एफ एस मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के ट्रिक्स के लेक्चर नंबर 4 को। इसमें आपको फिर से एक नए ट्रिक्स को हम बताएंगे जो कि आपको सभी डिफेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही मदद करेंगे और आपको इवन क्लास 12th के एग्जाम में भी आपको बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए आज के ट्रिक्स में हम क्या बताते हैं। इस ट्रिक्स का आपको हमको आपको हम प्रूफ भी देंगे। आपको प्रूफ इसके लिए देंगे कि आपको एग्ज़ाम में नहीं करना पड़े, ऐसा प्रूफ को नहीं करना पड़े। आप सीधे सिंपल ट्रिक्स को अपनाएं और प्रूफ देखने के बाद आपको ट्रिक्स याद भी रहेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक्स क्या कहता है कि अगर फंक्शन एफ डैश एक्स हो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स हो इंटू डी एक्स इक्वल टू 2√f(x+c), यानी अगर एफ डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स इस तरह का फंक्शन दिया हो, उसको डिफरेंट इसको इंटीग्रेट करना हो, तो इसका आंसर आता है सिंपली सिंपली इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 2√f(x). 2√f(x) आता है, देखिए किस तरह आता है 2√f(x). ठीक है, देखिए आप हम मेरे पिछले लेक्चर में आपको हम तीन और ट्रिक्स बता चुके हैं। तीन और ट्रिक्स नहीं, लेक्चर नंबर 2 के ट्रिक्स में आपको दो दो ट्रिक्स हम बताए हैं। मतलब टोटल अभी तक हम ये मेरा ट्रिक्स का चौथा वीडियो है। ऐसे हम 5 ट्रिक्स बता चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूफ किस तरह करते हैं। देखिए आपको इसमें हम क्वेश्चन भी कुछ बताएंगे इसको प्रूफ करने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको बहुत फायदा होगा और आपको समझ में आएगा अच्छे से ट्रिक्स के बारे में। देखिए रूट अंडर एफ एक्स आपको हम बताते हैं, अगर टी लेट करते हैं आप रूट अंडर एफ एक्स हो, यानी रूट अंडर एफ एक्स को आप टी लेट करते हैं। ठीक है, तो डी टी को क्या हो जाएगा 1/2√f(x). और एफ एक्स का क्या होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x होता है ना, और फिर एक्स का करते हैं तो एक्स का क्या होता है इंटू 1 हो जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ तो एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स, और देखिए डी एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, डी एक्स के जगह पे यहाँ से निकालेंगे डी टी अपॉन ये, डी एक्स के जगह पे डालेंगे डी टी डी टी इंटू 2√f(x), 2√f(x) अपॉन नीचे क्या है, अपॉन क्या है नीचे एफ डैश एक्स, नीचे क्या है एफ डैश एक्स, ये टू एफ एक्स रूट एफ एक्स रूट एफ एक्स कर जाएगा, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स कर जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी इंटू 2, यानी 2 पीछे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी टी का क्या होगा 2 हो जाएगा 2+c, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2t+c। और टी को हम क्या मानते थे, टी को हम माने थे रूट अंडर एफ एक्स, यही माने थे ना रूट अंडर एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 2√f(x+c). देखिए यही इसका आंसर होगा, यानी यही आपको ट्रिक्स पता चला। देखिए यहाँ से पता चला कि देखिए ट्रिक्स एक्चुअल में आता कहाँ से है। देखिए ट्रिक्स, देखिए आपको ट्रिक्स समझ में आया होगा जाहिर है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे करके दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। देखिए आपको इस ट्रिक्स पर आपको किसी भी क्वेश्चन को कोशिश करना है तोड़ने का, हम बहुत सारे ट्रिक्स को सिखाए हुए हैं, सबका प्रूफ भी दिखाए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह लिख सकते हैं sin x / √cos x (dx), इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई क्वेरी नहीं है इसमें, इस तरह तो नॉर्मली इसको लिख ही सकते हैं। किसी पे पावर 1/2 हो गए, अगर x पे पावर 1/2 इसको रूट एक्स लिखते हैं ना, बस यही यहाँ पे किए। अब देखिए अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स लिखते हैं, अब बाहर में माइनस करते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉन नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटू डी एक्स है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर कॉस एक्स को हम एफ एक्स मानते हैं, यानी इसको देखिए इस टर्म पे तोड़ सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का रूट अंडर प्लस इंटू डी एक्स। अब देखिए किस तरह इसको तोड़ सकते हैं, इस टर्म अगर हम नीचे वाले फंक्शन को अगर कॉस एक्स को हम एफ एक्स मानते हैं, कॉस एक्स को हम अगर एफ एक्स मानते हैं, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी ऊपर वाला फंक्शन क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया, यानी ये फंक्शन क्या हो गया ये फंक्शन हो गया एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, यानी वही उसी फॉर्मूले पे है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पे है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पे, इसका आंसर क्या होता है माइनस तो बाहर लगेगा ही, क्यों माइनस लगेगा कि ये माइनस है बाहर। ठीक है, तो माइनस ऑफ रूट अंडर एफ एक्स होता था प्लस सी, ऐसा होता था फॉर्मूला तो ये होता था ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में माइनस इसके लिए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे दिखा दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, सॉरी यहाँ माइनस लगा हुआ है इसके कारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, √f(x) का वैल्यू क्या है कॉस एक्स, यानी क्या हो जाएगा अंदर कॉस एक्स प्लस सी, यही ना होता था, देखिए दिखाते हैं 2√f(x+c), यही यहाँ पे आंसर भी आया था 2√f(x+c), और माइनस क्यों लगा ये बता दिया आपको हम। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप अपने ट्रिक्स पे बना, जो ट्रिक दिए हैं आपको उस पर कोशिश कीजिए तोड़ने का। देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/(x√log x)(dx), क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए लिख सकते हैं आप इसको ऊपर वाला, अगर x नीचे आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम
अगर इसको हम एफ एक्स मानते हैं और ऊपर वाले को एफ डैश एक्स, क्यों एफ डैश एक्स मानते हैं? अगर लॉग एक्स को हम एफ एक्स मानते हैं, क्यों? यही ना होगा, रूट के अंदर एफ एक्स होता नहीं, इस वाले फंक्शन को देखते हैं ना। तो ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, यही ऊपर दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर लॉग एक्स, यानी एफ एक्स प्लस सी होता है, लॉग एक्स प्लस सी, यही ना होता है 2√ एफ एक्स प्लस सी, यानी लॉग एक्स प्लस सी। देखिए इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप कोशिश कीजिएगा इसको इस ट्रिक से अपनाने का। हम बहुत सारे ट्रिक, 4 ट्रिक अभी तक दे चुके हैं, हम लेक्चर दे चुके हैं ट्रिक का, ट्रिक से रिलेटेड, और सेकेंड लेक्चर में हमारा तो 2-2 ट्रिक दिया गया है। आप कोशिश कीजिए इन सभी ट्रिक पे आपको तोड़ने का क्वेश्चन को, और उस पर कोशिश कीजिए उस ट्रिक को अप्लाई करने का, ठीक है? और आपको आगे भी हम 2-3 ट्रिक और लेकर आएंगे, आपको इंटीग्रेशन का टोटल ट्रिक्स बता देंगे, जितना पॉसिबल ट्रिक होते हैं वो सब आपको बता देंगे। आप लेक्चर देखते जाइए हमारा, आपको लेक्चर देखने में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? आपको कंपटीशन एग्जाम में भी फ़ायदा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छे लेक्चर के साथ। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? तो दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छे लेक्चर के साथ, बाय बाय।